जनपद संभल के चंदौसी में अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल ने ईओ को ज्ञापन सौंपकर मेन होल व टूटी नालियों को दुरुस्त कराने की मांग की तथा दिवाली के बाद ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की मांग की। आने वाले त्योहारों को देखते हुए आज जनपद संभल के चंदौसी में अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने नगर पालिका परिषद के ईओ को ज्ञापन सौंपकर नगर की टूटी हुई नालियों तथा खुले मेन होल को दुरुस्त कराने की मांग की। साथ ही नगर पालिका परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की जो घोषणा की वे भी दिवाली के बाद चलाने की मांग की, क्योंकि व्यापारी पहले ही कोरोना का मारा हुआ है और अब दिवाली पर उम्मीद जगी है तो नगर पालिका परिषद अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की सोच रहा है जो कि ठीक नहीं है। नगर पालिका से मिले हैं, किन समस्याओं को लेकर मिले? हम एक पहली समस्या को ये मिले हैं कि जो हमारे मेन होल हैं, जो सड़कें हैं वो इतनी ख़राब हैं कि वो एक्सीडेंट हो रहे हैं। जो जल निगम ने पाइप पड़वाए हैं वो सारे खुले हुए पड़े हैं और सड़क नहीं बनी है और अक्सर एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसके लिए हम ये मांग करते हैं कि उसे तुरंत भरवाया जाए। दिवाली का ऊपर है अवसर और दिवाली पर जो है उसको भरवाया जाए ताकि जो है जनता शुरू करे। दूसरे ये था कि अतिक्रमण के लिए आज तारीख 7 तारीख को उन्होंने ये घोषणा की है कि अतिक्रमण कराया जाएगा। अतिक्रमण के लिए व्यापारी खिलाफ़ नहीं है, लेकिन यदि अतिक्रमण एक महीना पहले दीपावली से पूर्व हो या दीपावली के एक महीने बाद हो तो अतिक्रमण अच्छा लगता है, लेकिन जिस समय व्यापारी लॉकडाउन के कारण परेशान है और आज थोड़ा सा उसका काम चल रहा है, थोड़ा सा काम चल रहा है, तो उसके लिए व्यापारी को दबाया जा रहा है और उसको उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापार मंडल के लोग आपसे मिले कुछ समस्याओं को लेके, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, इनकी समस्याएं मूल रूप से दो तीन चीज़ों के लिए उन्होंने कहा। एक तो जहाँ पे मेन रोड कवर खुले हुए हैं, हालांकि मेन रोड कवर जहाँ भी खुले हुए हैं उसके लिए हमने जो है ऑलरेडी मेन रोड कवर जो है मंगा के रखे हैं सीमेंटेड। पहले लोहे के जाल लगे हुए थे, लोहे के जाल में एक समस्या ये थी कि अधिकतर जैसे आज लगाया फिर 2 दिन के अंदर चोरी हो जा रहे थे। मैंने अपने खुद के कैमरे में देखा कि चोरी होते निकाल के लेके गया, तो उससे निजात पाने के लिए हमने सीमेंटेड मंगाए हैं और जगह जगह लग भी रहे हैं। जहाँ भी संज्ञान में आ रहा है इनके द्वारा भी बताया गया है, उसको मैं कराऊंगा। दूसरी अतिक्रमण को लेके जैसे लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है, उसमें SDM साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी कोतवाली में, उसमें ये निर्णय लिया गया था और बात सही भी है कि आप खुद भी शहर में देख रहे हैं कि ई रिक्शा और दुकान का जो भी सामान है जब रोड पे ही ला के रख देंगे तो फिर कैसे रोड चलेगी। और इसमें जो निर्णय हुआ था इसमें व्यापार बंधुओं के साथ बैठक में ही ये लिया गया था, तो यही मूल रूप से आप लोग लेके आए थे।